भगवान कृष्ण ने गंगा का महत्व समझा था, तब जाकर अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद गंगा नहाने भेजा था। शास्त्र कहता है गंगा का स्नान करते समय हर हर गंगे बोलकर सारे पापों को गंगा हर लेती है। एक निवेदन करूंगा, यदि गंगा के तट पे स्नान करने जाओ, कोई कंकर मिल जाए, कोई रज मिल जाए, उसका शिवलिंग बनाकर गंगा का पानी 3 बार चढ़ाकर गंगा में ही विसर्जन कर दो, 12 ज्योतिर्लिंग के स्नान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। और निवेदन, कभी कोई घर का व्यक्ति गंगा जल भर कर लेकर आए, गंगा जल को लेकर आए, तो सबसे पहले दरवाजे में प्रवेश होने से पहले गंगा के ऊपर एक लाल वस्त्र ओढ़ा देना चाहिए, तो घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती। गंगा की लोटी को, गंगाली को, गंगा के जल जिस पात्र में रखा रहता है, उस पात्र को या तो लाल वस्त्र के ऊपर रखना चाहिए या उस जल के पात्र पर लाल वस्त्र पड़ा होना चाहिए। उस घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती। जिस घर में गंगा का जल, गंगा की लोटी, गंगाली, गंगाजली बिना वस्त्र के रहती है, वहां संपदा टिकती नहीं है, संपदा नहीं टिकती। लाल वस्त्र हो, उस वस्त्र पर गंगा जली हो, या वस्त्र ऊपर से भी डला हो, तो गंगा सदा सर्वदा कल्याण करती है। ऐसी पुनित पावन शंकर की आनंदमय कथा सुनी, पार्वती जी ने भगवान शंकर से निवेदन करा घर में बेटे कुमारी उनका मंगल विवाह हो। तब देवर्षि नारद ने प्रजापति विश्वरूप जी की कन्या रिद्धि सिद्धि के साथ भगवान गणेश जी का मंगल पाणिग्रहण संस्कार। सुंदर आनंद में बहुएं घर पर आई, चारों तरफ सुख समाहित हुआ। भगवान कृष्ण और शिव के मिलन की जो भादो महीने की शिव कृष्ण चरित्र चल रहा है, शिव महापुराण, ये जीवन का सुख देने वाली। प्लीज लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान कृष्ण ने गंगा